हेलो तो गुड मॉर्निंग देख रहे हो आप सभी लोगों तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अच्छा चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर दी। तो फिलहाल सुबह सुबह का नज़ारा है, अभी धूप भी निकली नहीं ठीक से गाँव में, उधर से आ रही धूप इधर को और सुबह सुबह के व्यू देख सकते हैं आप लोग गाँव का। अभी हमारा काम है जो आपको बता, तो सुबह सुबह हम करें चौलाई की मंडाई, देख सकते हैं आप लोग इतना हमने पहले ही कर दिया, इसकी बारी है। इसे तो वैसे तो डंडे से भी कूदते हैं लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में होते इसके ऊपर बैल लोग को गोल गोल तरह से घुमाते हैं तो आपको बताते हैं। चलो फिर से ये रहे हमारे बैल, इन पे लगा रखे हमने मास्क ताकि नुकसान ना करे, काम तो कम हो इससे ज़्यादा वो खा लेंगे तो इसलिए हमने इन पे लगा रखे हैं मास्क। तो चलो करते हैं इनको फिर से रेडी। कार से की जाती है चौलाई की मंडाई, देख सकते हैं आप लोग बैलों को इसमें गोल गोल तरह से घुमाया जाता है। सो फिलहाल तो कर चुके हम ये वाला काम को फिनिश और ये पूरा मन चुका है, इसके जो दाने वो अलग हो चुके हैं और ये रह चुके हैं, देखो इस तरह से होता है ये वाला। फिलहाल तो इसको करते हैं इधर छटाई, इसकी छटाई करेंगे पूरी तरह से। चौलाई की मंडाई करने के बाद अभी हम जा रहे हैं चौलाई के लिए, वो भी खेत में। चलो आपको ले चलते हैं सीधा था, था। तो पहुंच चुके हैं हम खेत में, आपको बताते हैं चौलाई को। तो ये रही चौलाई, इसको काटकर पहले से सुखाने के लिए डाल दिया जाता है ताकि इसको ले जाने में आसानी हो। इसका वजन बहुत ज़्यादा रहता है और सुखाने के बाद बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, इसका वज़न बहुत ही कम हो जाता है, इसे ले जाने में बिल्कुल आसानी होती है। इसे ले जाने के लिए बिल्कुल कपड़ा लाते हैं हम अलग से, क्योंकि इसे हम सीधे रस्सी पर नहीं ले जाते हैं, इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि ये पूरा सूखा होता है और ये बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल झड़ जाता है पूरा चौलाई। तो सारा खेत का चौलाई हमने इसके ऊपर रख दिया है और अब हम इसको दोनों तरफ से इससे बांधेंगे, इस वाले को वहाँ पर बांधेंगे और इस वाले को वहाँ पर, ताकि गिरे ना, और इसको ले चलेंगे हम उसके बाद सीधे घर पर। चलो आपको बताते हैं जल्दी से जल्दी। हमने सारे चौलाई को इस पर लगा कर इसे रस्सी से बांध कर इसे हम ले जाएंगे घर, इससे ले जाएंगे अमृता घर को। और मैं इस वाले खेत का हमने सारे चौलाई इस पर लगा दिया है और मैं नीचे वाले लगाऊंगा, नीचे वाले खेत का सारे चौलाई में इस वाले कपड़े पर लगाऊंगा। फिलहाल तो मैंने इस वाले खेत का पूरा लगा दिया है, देख सकते हैं आप लोग ये रहा पूरा चौलाई, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ से लेकर और वहाँ तक का बस इतना ही था इसमें। तो अब इसको मैं लेकर चलूँगा घर को, उसके बाद अभी जस्ट अभी भी टाइम है 4 बजे, उसके बाद मुझे वहाँ उस वाले उस जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर वहाँ जाना है। ये रहा हमारे गांव का एक छोटा सा गदेरा, इसी से हमारे गांव के सारे ग्राट, इसी के पानी से हमारे गांव के सारे ग्राट चलते हैं। देखिए कितनी कम मात्रा में पानी बह रहा है यहाँ से नीचे को। तो फिलहाल एक खेती रहा हमारा और इसका चौलाई ले जाऊंगा मैं घर को, इसमें बहुत सारा हो रखा है देख सकते हैं आप लोग, दुनिया भर का चौलाई हो रखा है इसमें। तो जल्दी से जल्दी इसको भी लगाते हैं और इसको ले कर चलते हैं सीधे उधर, वो रहा हमारा गाँव। अभी वहाँ पर धूप है और यहाँ पूरी धूप निकल चुकी है यहाँ से और सीधे वहाँ तक। एक छोटू ये रहा क्या ला रहे क्लीनर रे, देखो भाई साहब बांस के लकड़ी को भी करारी, वो उधर से ला रहे जंगलों के बीच से, वो भी अकेला। फिलहाल तो मैंने चौलाई के साथ चौलाई का फंसे रहा ये नीचे को डाल दिया और यहाँ कुछ काले भट रहे गए थे
तो मैंने कहा क्यों ना इन सब को एक ही साथ घर लेके चले जाए, क्योंकि मुझे बार बार आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सारे मैंने एक ही साथ रस्सी पर लगाकर उनको ले चलते हैं घर को। तो फिलहाल तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जाकर के वीडियो को शेयर कमेंट, और जो नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्दी आएगा आप लोगों के सामने।